मुंबई के मलाड में बॉलीवुड हस्तियों के हाथों भगत भाइयों द्वारा लिखित एपिक बुक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री सुधा चंद्रन, अभिनेता राजा मुराद, अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। जाने माने माइंड ट्रेनर मनोज भगत और उनके छोटे भाई हरेंद्र भगत ने जीवन मूल्यों एवं सफलता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह बुक लिखी है। बुक लॉन्चिंग का ये संदेश है सर, क्योंकि आजकल के मीडिया जमाने में आजकल के मीडिया ज़माने में लोग देखते हैं कि हर वक्त मोबाइल में बिजी होते हैं और उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब होता है। कहीं मैं देखता हूँ कि घर में जाएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, वो अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, रील में बिजी होते, यहाँ पे बिजी होते। बुक्स पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है और बुक्स एक ऐसा चीज़ है कि वो बुक्स पढ़ने में आपके दिमाग में वो स्टोर होता है, छपता है, लेकिन ये मोबाइल का रील ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। इसके लिए ये बुक लिखने का मेरा ये मकसद ये है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप के ऊपर में किताब है, हमने लिखा है। और ये किताब भेजने का मेरा एक संदेश है लिखने का कि एक चैरिटेबल करना है मुझे कि जो कैंसर पेशेंट है वो जो बुक्स का जो इनकम होगा वो कैंसर पेशेंट के लिए मैं वो हेल्प मतलब वो पैसा मैं डोनेट करूँगा, 10% मैं उसको डोनेट करना है। लिखने का मेरा ये भी मकसद है। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने बुक लॉन्च, हमारा 3 बुक और भाई साहब के 3 बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है कि ये बुक लिखने का एक ही मकसद है कि लोग आज बुक से लोग बिछड़ चुके हैं, आज ये लोग पढ़ना जानते नहीं, पढ़ते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने बुक लिखा है वो उस बुक लिख के अगर उसने पढ़ा है तो उसके दिमाग में छप गया और वो हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो मेरा बोलने का मतलब कि आज मैं लोगों से एक ही विनती करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़े, पढ़ने से लोगों को ज्ञान होगा तो ही आगे कुछ होगा। यस, योजना पहुँचाई आज, तो ये आज हमारा बुक का विमोचन है जो आज कई समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 1 साल से हम लोग बुक का प्लानिंग कर रहे थे कि बुक हम लॉन्च करेंगे कि, लेकिन आखिरी में लास्ट में हमारा सपना सच हुआ, आज बुक लॉन्च होने का। ये बुक घर घर में पहुँचाने का हमारा पूरा प्रयत्न है और ये पूरा शेयर हमारे गुरु सुदर्शन साबत जी ने, जिन्होंने हमें वो ट्रेनिंग दी, हम माइंड ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग दी, आज वो ट्रेनिंग की वजह से आज हम बुक लिख पाए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे गुरु सुदर्शन साबत जी एंड प्रिया मैडम। यहाँ कई लोग आने वाले हैं, अभी शुरुआत है, कई गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, अभी आएंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। हमारे जो मेन ये सेलिब्रिटी है राजा मुराद जी, जो हमारे बुक का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दूसरे हैं हमारे द्रोणाचार्य, महाभारत के जो वशिष्ठ द्रोणाचार्य, सुरेंद्र पाल सिंह वो, और सुधा चंद्रन जो मैडम बहुत बहुत स्पिरिचुअल है, जिनका लैग नहीं है फिर भी उन्होंने आज हिस्ट्री क्रिएट किया है आज फिल्म इंडस्ट्री में। वो ऐसे एक्ट्रेस आ रहे हैं हमारे बुक लॉन्चिंग में, ओपनिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में रहेंगे और उसका विमोचन करेंगे। देखिए भाई साहब ने, हमारे बड़े भाई मनोज भाई ने बताया कि ये पैसा जितना ज़्यादा सेल बुक होगा वह उतना हम चाहेंगे कि चैरिटेबल में ट्रस्ट करके और बड़ा हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, स्कूल, ये खोलने का हमारा सपना है जो कि हम ये पूरा करेंगे और ये बुक के माध्यम से ही हम करेंगे। ये माइंड ट्रेनर है, माइंड का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, इसकी ट्रेनिंग 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जो हमारे सर सुदर्शन साबत सर जी जो लेते हैं और स्पिरिचुअली सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक ट्रेनिंग देती है। और ये ट्रेनिंग में स्पिरिचुअली पूरा ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ पूरा माइंड, स्पिरिचुअल माइंड सेट, तुम्हारा मेडिटेशन, ये सब कराते हैं, जिसकी वजह से हम ना एकदम इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो सर ऐसे हैं कि लोग कई मैं देखता हूँ वीडियो कि लोग मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन रहता है, लेकिन सर हमारे सुदर्शन सर साबत जी वो आज इम्प्लीमेंटेशन जो कराते हैं ना, वो ऑब्वियसली एकदम बहुत, हम समझ लो कि कोई भी कैसे भी हो वो एकदम सक्सेस होके निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ने 3 बुक लिखा है, तीन हमारे बड़े भाई मनोज भाई ने लिखा है जो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश, टोटल 12 बुक हो गए समझ लो। और आगे हमारा सपना है कि और 12 बुक हम लोग को लिखने का है।
सर देखिए, इसका कोई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आप चाहे तो कोई भी सीख सकते हैं। यहाँ 10 साल से ऊपर कई बच्चे, मेरी खुद बेटी, मेरी प्रतीक्षा भगत, जो मैंने अभी रिसेंटली में ट्रेनिंग में भेजा था 8 दिन के ट्रेनिंग में, वो 8 दिन सर के अंडर में 8 दिन ट्रेनिंग की, जिसका 8 दिन ना हम गए ना वो कुछ ये कांटेक्ट हुआ, लेकिन 8 दिन उसने ट्रेनिंग ली। आप सोचो, जब 8 दिन ट्रेनिंग लिया तो मेरी बेटी, आप अभी 10वीं में 10th का उम्र है उनका, अभी 4th क्लास में गई है, अभी से मैंने उसको उनको ट्रेनिंग में डाल दिया हूँ मैं, ताकि आगे अच्छा ट्रेनिंग मिल सके। बहुत लोगों को उच्च शिक्षा दे, बोलते ना इंडिया में सोचते लोग जरूर हैं, मगर अच्छी सोच, बोलते ना हाई लेवल का सोच, उच्च सोच का विचार बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऊँची विचार का प्रशिक्षण दे। पूरे भारतवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये लोग सवाल करते हैं माइंड ट्रेनर है क्या, माइंड ट्रेनर मतलब क्या, माइंड ट्रेनर ये जो चीज़ है हमें हेल्थ के लिए, माइंड जैसे कि आपको हेल्थ सही रखना चाहिए तो उसके लिए माइंड ट्रेन होता है, तो ये माइंड ट्रेनर ये है। आपको हेल्थ चाहिए तो माइंड का आपको ट्रेनिंग चाहिए, फिर आपको हेल्थ चाहिए, आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बड़ा काम करना है तो इसके लिए माइंड ट्रेनर चाहिए, फिर बाद में आपका जो फैमिली बॉन्डिंग है उसके लिए माइंड ट्रेनर चाहिए, और हर काम में माइंड ट्रेनर लगता है, इसके लिए हम लोग माइंड ट्रेनर बने। इसके लिए हम लोग 5 चीज़ के ऊपर हम लोग एजुकेशन देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप के ऊपर हम एजुकेशन देते हैं। आज की तारीख में बच्चे हैं, जो माँ बाप है वो बच्चे जल्दी बात नहीं सुनते हैं, तो उसका भी हमारा ट्रेनिंग है। कुछ फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती है, माता पिता का कुछ रिलेशन बराबर ठीक से नहीं चलता है, लाइफ में बैलेंस लोग बराबर नहीं कर पाते हैं, तो जो हमने जो माइंड ट्रेनिंग का कोर्स किया है, ये लोगों को हम लाइफ में बैलेंस देना चाहते हैं, कि लाइफ में कुछ नया हम देना चाहती है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि माइंड ट्रेनर है क्या, वो चीज़ हमारे जो सर हैं वो 250 ट्रेनर बनाए हैं, कि लोग ऑल ओवर इंडिया तक लोग को जाना चाहिए, कि हर लोगों के घर में जाके माइंड ट्रेन कीजिए, और हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर आप ये बॉन्डिंग कीजिए। तो मेरा सर ये संदेश है मेरा। आज भगत जी और हरेन भगत जी, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और आज उसी का विमोचन है, और मैं उसी विमोचन में आया हूँ इनको उत्साहित करने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अगर ज्ञान किसी से मिलता है तो पुस्तकों से मिलता है, और जब अच्छा ज्ञान की बात होती है तो हम अच्छी संस्कृति, अच्छे समाज को के लिए अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों की एक श्रृंखला में इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जिसके लिए मैं मनोज जी और हरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और कहानियां जो होती हैं, किताबें जो होती हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, वो हमें जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताबें भी जो हैं हमारे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे। धन्यवाद। बिकॉज बहुत ज़रूरी ये है कि एक तो मतलब हर किसी को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही है, लेकिन अगर किताब लिखने का मौका किसी को मिल जाए ये तो सोने पे सुहागा है। बिकॉज इस बुक के ज़रिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो किसी की ज़िंदगी को प्रेरित करे, और यही तो हम चाहते हैं, बिकॉज इज़ वॉट वी वॉन्ट। हिंदुस्तान में इसी की ज़रूरत है कि लोग आपकी किताब पढ़ें, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर और भी किताबें आएंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शुभ मौके पर मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई वांट टू विश यू गुड लक एंड ग्रेट लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू। ट्रेनर की सख्त ज़रूरत इसलिए है बिकॉज दे से इनका ये कॉन्सेप्ट है कि द माइंड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिजिकली हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ही, लेकिन क्या माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हर प्लस के लिए एक माइनस भी है। तो अगर एक माइनस है तो एक प्लस भी होगा, बट उस नेगेटिव को हम थोड़ा सा हटा के अपनी ज़िंदगी से उसे दूर रखें, सिर्फ उन चीज़ों को ले जो आपको सूट करे, और अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी नहीं रहा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ कि एक हादसे के बाद फिज़िकली तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं आ सकती थी, लेकिन वो एक माइंड था जिसको मैंने ट्रेन किया,
एंड थैंक्स कि ऐसे ट्रेनीज हमारे आज भारत देश में बहुत सारे हैं एंड आई थिंक दिट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग मेंटली बहुत वीक होते हैं, उन्हें ऐसे ट्रेनर्स की सख्त ज़रूरत है। देखिए हम भी तो 40 साल से इसी इंडस्ट्री में हैं, ना हम किसी चीज़ के पीछे भागे, क्योंकि मेरा यही मानना है अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपके पास ज़रूर, मतलब वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी, पर आप कड़ी मेहनत कीजिए, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। हम भी 10-12 साल रुके रहे उसके बाद ही हमें सक्सेस मिला, तो ऐसा तो नहीं है कि आज हम जेट एज में रह रहे कि आज आए आज हमने कूपन डाला और कल हमारे हाथ में डिश है, नहीं ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा एक थोड़ा पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस रखिए, टाइम पे आइए, प्रोफेशन को सीरियसली लीजिए। आई थिंक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो तभी था, ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उसे अपनाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि वेस्ट ने हमको बहुत अच्छी सीख भी दी है, उस सीख को लो ना, उन चीज़ों को हम क्यों ले जो हमारी सभ्यता को नहीं सूट करती है। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप उन चीज़ों को का इस्तेमाल करो जिससे हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो। तब भी वेस्टर्न कल्चर था, तब भी हम भी जवान थे, पर हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुना जो हमें सूट किया। बट आज मैं देख रही हूँ वो दौर ख़त्म हो चुका है, अब वापस हम हमारे कल्चर की तरफ मुड़ने लगे हैं। ना सिर्फ भारतवासी, वेस्टर्न वर्ल्ड भी आज हमारी तरफ रुझान रख रहे हैं, वो कल्चर छोड़ के हमारे इस कल्चर को अपनाना चाहते हैं। दो किताबें आज लॉन्च हो रही हैं, मनोज भगत जी और हरिंदर भगत जी की ये किताबें हैं। देखिए, जब तक कोई राह दिखाने वाला ना हो, जब तक कोई ज़िंदगी में आपको गाइड करने वाला ना हो, हमारे मुल्क में गुरु का दर्जा कितना ऊंचा होता है, जो आपको राह दिखाता है। तो ये जो किताबें हैं, मैंने कुछ अंश इसके पढ़े हैं, और ये बुक जो है ये यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर करेगी। जैसे एग्ज़ाम से पहले एक कुंजी आती थी, कुंजी पढ़ते थे हम लोग, तो वो जो कुंजी होती थी वो एग्ज़ाम में हमारे बड़े काम आती थी। ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, वो तो वक्ती एग्ज़ाम होता है, एक बार आप देते हैं आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था या मेघालय का कैपिटल कौन सा है, ये याद नहीं रहता है। वक्ती तौर पे आदमी उसे याद करता है एग्ज़ाम में पास होने के लिए, लेकिन ये जो किताबें हैं ये आपको ज़िंदगी में इंस्पायर करेंगी कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। समस्याएं ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या, ऊपर वाले ने अगर समस्या पैदा की है तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी पैदा किया है, और समाधान है हमारे सुदर्शन सावत जी, जो हिंदुस्तान के नंबर वन माइंड ट्रेनर हैं। देखिए, लिखित अक्षरों का तो बड़ा महत्व होता है, और लिखना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। पढ़ना, पढ़ तो आप कोई भी किताब सकते हैं, लेकिन लिखना जो है वो एक बहुत बड़ी कला है। तो लिखित शब्द जो हैं कई बार आप पे बड़े असरअंदाज होते हैं। तो ये दोनों भाई हैं, और इनके कलम से, इनकी कलम की कालिक से जो किताबें लिखी हैं वो यकीनन जहनों को रोशन करेंगी, दिमाग को रोशन करेंगी पढ़ने वालों के, मैं ये कह सकता हूँ। जी हाँ, मैंने पढ़े जी, मनोज भगत और हरिंदर भगत। मनोज भगत की किताब पढ़ने के बाद मैं मनोज का भगत हो गया, और हरिंदर की किताब पढ़ने के बाद मैं हरिंदर का भगत हो गया। आशीर्वाद के रूप में उन्हें क्या देना चाहते हैं जी? आशीर्वाद के रूप में उन्हें क्या? मैं तो लेने आया हूँ, इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, देने नहीं आया हूँ, आज मेरे लेने का दिन, आशीर्वाद इनका चाहिए मुझे। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए
CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।